श्रुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने हाल ही में अपना चांद मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। पूरे देश में और तो और विदेश में भी भारत की सफलता की वाहवाही हुई। देश भर में भारत के चंद्रयान 3 की सफलता का डंका बजा। हालांकि इसी बीच अब खबर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को लेकर है। हाल ही में इसरो चीफ सोमनाथ ने चंद्रयान को लेकर बड़ी बात कह दी। सोमनाथ ने कहा कि चांद में अभी भी दिलचस्पी खत्म नहीं हुई है। उनके इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि आखिर अब इसरो किस मिशन की प्लानिंग कर रहा है। चीफ सोमनाथ ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे की आखिर क्या वजह है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल खबर है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अब एक नए मिशन की तैयारी में जुट चुकी है। खबर है कि इसरो का नया मिशन चांद से ही जुड़ा है। बता दें कि इसरो प्रमुख के बयान के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो चांद की सतह से कुछ चट्टानी पत्थर धरती पर लाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, यानी चट्टानी पत्थर को जमीन पर लाने की तैयारी कर रहा है। इसरो चीफ सोमनाथ ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रपति भवन विमर्श श्रृंखला पर अपने बयान में चंद्रमा से चट्टानी पत्थर लाने के मिशन का विवरण लोगों से साझा किया और कहा कि अब इसरो का अगला मिशन चांद से ही जुड़ा है और अब चांद को जमीन पर लाने की तैयारी जारी है। सोमनाथ ने इसरो के नए मिशन पर कहा, चंद्रमा को लेकर हमारी दिलचस्पी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं राष्ट्रपति जी को आश्वासन देता हूं कि हम चंद्रमा से कुछ चट्टानी पत्थर लाएंगे। नमूने लाने का मिशन बहुत जटिल है और सब कुछ स्वायत्त रूप से किया जाना चाहिए। सोमनाथ की यह बात सुनकर दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, जिसके बाद इसरो चीफ ने आगे कहा, हम फिलहाल इस तरह के मिशन पर काम कर रहे हैं और हम इसे अगले 4 साल में पूरा करना चाहते हैं, यही हमारा मात्र लक्ष्य है। सोमनाथ के इस बयान पर और इसरो के इस नए मिशन पर अब आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि क्या इसरो का ये नया मिशन चंद्रयान 3 के मिशन की तरह सफलता प्राप्त करेगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।